मेरे महबूब वतन, अगर तुझ पे हो जानिसार तो मैं समझूंगी टिकाने लगा सरमाया तन। मेरे मोहतरम असाजाए कराम और मेरे मुअज्जिज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है यौमे आज़ादी। सामीने ग्रामी, पाकिस्तान, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। वो महीना रमजान अल मुबारक और रात लैलतुल कद्र की थी जब मुसलमानों को खुशखबरी नसीब हुई। सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस मम्लिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, मम्लिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। हमारे इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों और बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 14 अगस्त वो दिन है जो ता कयामत याद रखा जाएगा। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़ादी बख्शी और मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। हमारे कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल ने 23 मार्च 1947 को आखिरकार कलील वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर गया। बदौलत आज हम इस मुल्क में चैन का सांस ले रहे हैं। यूदी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, यूदी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरे एहसान है एहसान। आखिर में मेरी तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक। शुक्रिया।